नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिपि गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का छठा सवाल। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्रश्न सीखना है, समझना है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते सर ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को लगाने के लिए मुझे एक त्रिभुज बना लेना। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया बच्चों। ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी सी, या कह सकते हैं ए सी बी बोलो चाहे ए बी सी बोलो, ये त्रिभुज बन गया। तीन भुजाओं वाला एक त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक है, जिसमें सवाल में ये दिया था हमें ए और बी को न्यून बना लेना। तो हमने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बना लिया, जबकि मैंने सी को समकोण बना दिया। ये जो चिन्ह दिया है इसका मतलब समकोण, मतलब ये 90 अंश दिया है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले मुझे लिख लेना है। लिख लेंगे, लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण सी जो है समकोण है और ए और बी क्या है न्यून कोण है। सवाल में दिया था कोस ए बराबर कोस बी, तो मैंने लिख लिया कोस ए बराबर कोस बी। एक फार्मूला होता है लाल बटे कक का, तो कोस का फार्मूला बच्चों होता है ये बीच वाली लाइन, मतलब ए बटे के। ए का मतलब क्या होता है आधार, और के का मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है। अगर आपके पास मुझे निकालना है कोस ए, जहाँ कोस ए दिया उसके जगह पर मुझे क्या कर देना है, देखिए फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, कोस ए, ए का मतलब कोण हमारा ए दिया है, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो भैया ए, अगर कोण ए दिया है तो लंब ए हो जाएगी, आधार कौन सा हो जाएगा ए सी। तो जहां आधार दिया उसके जगह पर मुझे ए सी कर देना है, और कर्ण हमारा ए भी रहेगा, तो कर्ण के जगह पर मैंने ए भी रख दिया। समझ में आया नहीं समझ में आया, कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, होता ना, ये लाल बटे के कस से हम याद कर सकते हैं। कोण के सामने वाली भुजा ए लंब हो गई, ये हमारा आधार हो गया, तो आधार के जगह पर ए सी रख देंगे, कर्ण के जगह पर ए बी रख दिया। अब इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, कोस बी का मान निकाल लेना है। लिखेंगे कोस बी, कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो सेम रहेगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ये हमारा कोण बी है, तो इसके सामने वाली भुजा लंबी हो जाएगी, तो इसमें आधार कितना लिखना है बी सी। तो आधार के जगह पर इसमें क्या कर देंगे बी सी कर देंगे, और कर्ण सेम रहेगा ए बी, ठीक है। तो जहाँ कोस ए दिया है उसके जगह पर ए सी बटे ए बी रख देंगे, जहाँ कोस बी दिया है वहाँ बी सी बटे ए बी रख देंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके जगह पर मान पुट कर दिया, रख दिया ए सी बटे ए बी, बी सी बटे बी सी, कोस ए के जगह पर ए सी बटे ए बी, कोस बी के जगह पर बी सी बटे ए बी रख दिया। यहाँ पर ए बी ए ए बी हमारा कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों, बचने वाला है ए सी बटे बी सी, बच गया ना। अब यह देखिए, ये हमारा ए सी और बी सी, जब ये कोण इनकी जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ए सी ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो ए सी की जगह आप रखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों, ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर ये प्रश्न आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, सर ये प्रश्न मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।